अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग बटन के थ्रू हम अपनी मर्जी से किसी भी ड्यूरेशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो भी एक यूटिलाइज होने का एक तरीका है, लाइक वो भी एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ हो सकती है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक फॉल्ट है, ठीक है, और इसका यूँ समझिए कि उसका एक ड्रॉबैक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100% की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, किसी स्पेसिफिक मूवमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और स्पेसिफिक ड्यूरेशन की करनी है, ठीक है, 10 सेकेंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप करेंगे? क्या ये चांसेस हैं कि सारी वीडियोस ही 10 सेकंड की बनेंगी? ये चांसेस 100% चांसेस हैं कि कोई वीडियो 9 सेकंड की बन रही, कोई 10 की बन रही, कोई 11 की बन रही, ये भी आप भूल गए स्टॉप करना, कोई 12 सेकंड की बन रही है और फिर बाद में आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी अपनी वीडियोज़ के साथ उसको फर्दर यूज़ करने से पहले, यानी कि सबको आपको एडिट करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। आज जो हम GUI एप्लीकेशन में टेक्निक सीखने जा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और ड्यूरेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 सेकेंड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, इट्स ओके, आपने वो ड्यूरेशन नहीं है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये तो खैर मैंने लेबल लिया और लेबल पे मैंने लिख दिया है कि वीडियो ड्यूरेशन इन सेकेंड, इट्स जस्ट रेड, कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे जो चीज़ आपको लिखी हुई है ये एक्चुअली इनपुट टेक्स्ट एडिट है, दिस वन, यहाँ से लिया मैंने, इसको ट्रैक किया और ये इनपुट, यहाँ से आप इनपुट लोगे अपनी मर्जी की ड्यूरेशन, जितनी भी ड्यूरेशन की आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नेम आप अगर आप राइट चेक पे देखें तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन रखा है, ठीक है। फर्दर और इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर मेंशन है कि आपने जो ड्यूरेशन लेनी है वीडियो की वो देनी है इन सेकेंड्स, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो यू शुड गिव 60 सेकेंड्स, यानी आपने 60 के रिस्पेक्टिवली देने, 15 सेकेंड्स की मतलब विद इन सेकेंड्स देना तो इट्स ओके, लेकिन मिनट्स में देना है, आवर्स में जाना है तो आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर आपने यहाँ पे डिजिट्स लिखने होंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यूनिट सेकेंड है और मैंने जो आगे कोडिंग की हुई वो भी सेकेंड्स के रिस्पेक्ट की हुई है। ओके, ये तो हो गई बात सिंपल सी। अब इसको हम एक दफ़ा रन करके, और यहाँ पे जस्ट ये लेबल है, ये यहाँ पे वीडियो शो होगी और जो नीचे नज़र आ रहा है ये आपको डिस्प्ले टेक्स्ट ब्राउज़र नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस शो हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कमांड मिलती है कि स्टार्ट बटन को क्लिक करें सो दैट वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, या फिर वीडियो स्टॉप हो गई है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन या कमांड जो आप यूज़र के लिए बेनिफिशियल हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, यानी कि ये एक फॉर्मेट है आपके GUI का। कोड के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। कोड मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, मोस्टली कोड वही है जो लास्ट टाइम हमने किया था, उसका लिंक मैं डाल दूँगी, जो भी चेंज है वो भी बता दूँगी, बट पहले हम एक रफली एक दफ़ा रन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये GUI आपके सामने आ गई है। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं, काइंडली प्रेस स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन टू रिकॉर्ड वीडियो, बट इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स में आपको अपनी मर्जी की ड्यूरेशन देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देती हूँ 10 सेकंड, ठीक है, आई वांट कि 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हो, 10 सेकंड आप यहाँ लिखते हैं ना, पहले ही काम आपने करना है, देन आपने स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के बटन को क्लिक करना है। अब आपने क्लिक कर दिया, सही है, अब क्या हो गया, देखें जो भी सीन मेरा, अब मेरा हैंड भी मैं करती हूँ तो जो भी मेरा सीन वेबकैम कैप्चर कर रहा है वो यहाँ पे सीन आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पे ये जैसे 10 से 11 हुआ फ़ौरन मेरे यहाँ पे आपको नज़र आया, आपको लिखा हुआ नज़र आया कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर सेम फोल्डर में जहाँ पर ये मेरा कोड सेव है वहीं मैंने एक फोल्डर वीडियोज़ के नाम से बनाया था, उसी का पास ही है जहाँ पर ये वीडियो राइट हुई है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी 10 सेकंड की। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्यूरेशन चेंज करना है तो यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का 15 सेकंड या वॉट एवर जो भी ड्यूरेशन आप देना चाहते हो आप यहाँ पे दो और उतनी ड्यूरेशन की वीडियो रिकॉर्ड कर लो।
ये सारी कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपका वेबकैम जो है या जो आपका कैमरा है वो इल्यूमिनेशन सेंसिटिव हो, यानी लाइट्स कम या ज़्यादा करने से फ्रेम रेट बढ़ते या कम होते हो, तो वो एडजस्टमेंट आपको अपने मुताबिक करना होगा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो दिखा दूँ, जैसे कि कोर्ट के ऊपर हम आते हैं ना, समझ में तो आपको आ गया होपफुली। कोर्ट के ऊपर आते हैं, सबसे पहले ये कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है जो आपको इंक्लूड लाजमी करवानी है। इसमें से कुछ जो हैं वो आपकी जो वीडियो डिस्प्ले हो रही है आपके GUI पे उसके लिए, कुछ आपकी एप्लीकेशन के लिए, क्यूटी डिज़ाइनर के लिए, कुछ जो है वो आपकी है आपकी GUI लोड करवाने के लिए। ठीक है। इस तरह से आप पाइथन में करें तो PyQt स्लॉट्स के लिए, और CV टू ओपन CV। ठीक है। ये कुछ ये जस्ट सिस्टम ही तो इसकी अपनी ही है। ठीक है। ये लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड करवानी है, और जो वो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी वीडियो में मुझे ज्वाइन करें वो बेसिक्स एक दो ज़रूर देख लें, बिकॉज उसमें मैंने बहुत प्रॉपरली बताया कि किस तरह से आपने IDE के अंदर स्टार्टअप में आपको लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाने के लिए भी जो सारी सेटिंग करनी पड़ती है वो सब भी मैंने शुरू वाली वीडियोस में बताया। ठीक है। तो वो लाजमी फॉलोअप करें। जस्ट प्ले लिस्ट में जाकर, GUI वीडियोस की प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट एक दो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये कि सबसे पहले मैंने अपनी ये जो रिकॉर्ड GUI है, यानी कि .UI फाइल जो है वो रिकॉर्ड के नाम से सेव हुई हुई है सेम फोल्डर में, तो उसको लोड करवाया। ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लास्ट वाले कोड में यूज़ किया था, मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको नहीं यूज़ करना है, वैसे कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट क्लिक है, ये जो मेरा स्टार्ट बटन है जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ उसका ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो इस चीज़ को फॉलोअप करता है और इस फंक्शन के ऊपर आ जाता है, ये फंक्शन आ जा फंक्शन को रन करेगा। अभी ये फंक्शन क्या है, स्टार्ट क्लिक का फंक्शन यहाँ पे नीचे PyQt स्लॉट्स में डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे ये फंक्शन आप देख सकते हैं डिफाइन हो रहा है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, और इसमें मज़ीद कुछ नहीं, इसको मैं हटा ही दूँ तो बेटर है, कमेंट ही। अच्छा, सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है, ये तो जस्ट एक टेक्स्ट कमांड है जो कि आपके टेक्स्ट ब्राउजर के ऊपर हो जाएगी, काइंडली प्रेस स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन टू रिकॉर्ड वीडियो, ये यूज़र के लिए जो भी इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसके लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ये जो वो फंक्शन जो ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन पे आ जाएगा, ये फंक्शन मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा ही दूँ तो बेटर है। अब इसको हटाया तो नीचे जाके ये जहाँ यूज़ हो रहा है आई थिंक आई शुड रिमूव इट एज वेल, इसको भी हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इनको हटा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका वेबकम कनेक्ट हुआ। ठीक है। अब एक और कमांड डेट टाइम की मैंने लाइब्रेरी ऊपर यूज़ की है, ये यूज़ करने इसके नाम से मैं अपना अपनी वीडियो भी सेव कर रही हूँ। ठीक है। वीडियो सेव करने का जो सीक्वेंस है वो भी इसको यूज़ कर कर ही हो रहा है, या लाइक पहले एयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सेव हो रही है वो वीडियो डैश एयर एयर मंथ डे फिर टाइम होगा, यानी कि आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स .mp4 इस नाम से सेव हो रही है। दो जगह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उस डेट वाली लाइक कमांड को, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपका डेट और टाइम, ये जो डेट है ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है एवरीथिंग, ईयर्स ठीक है, मंथ डे आपका, आवर्स आ जाते हैं, मिनट्स आ जाते हैं और सेकेंड्स आ जाते हैं, माइक्रो सेकेंड एवरीथिंग जो है वो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब अगर आपने इसमें से सिर्फ सेकंड्स आपने एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ, ऐसी रफली डेट डॉट सेकंड्स, तो क्या होगा कि डेट डॉट सेकंड सिर्फ इस पूरे डेट में से सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी फॉर एग्जांपल जब ये एक्सट्रैक्ट किया उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 10:30 और 16 सेकेंड्स हो रहे हैं, तो ये डेट डॉट सेकेंड 16 को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर आप डेट डॉट मिनट एक्सट्रैक्ट करोगे तो 10:30 हो रहे हैं तो 30 मिनट्स जो है वो 30 मिनट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। होपफुली समझ में आ रहा हो आपको ये। अच्छा, ये आउट की कमांड
बहुत ज़रूरी है। ये पहले से डिफाइन, जब आप वीडियो राइट करवाते हो तो आपको ये पहले से पाथ देना होता है जहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो राइट होगी। ओके, सो ये पाथ भी मैंने आप अपने मुताबिक दें, जहाँ पे भी सेव करवा रहे हैं वहाँ से पाथ कॉपी करें और स्लैश को, अगर फॉरवर्ड स्लैश है तो बैक स्लैश कर लें, यानी आई थिंक सो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैक स्लैश होता है, लेट मी कंफर्म कि इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, बैक स्लैश कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, यस ये फॉरवर्ड स्लैश है। जब आप पाथ कॉपी करोगे तो वो कुछ जो है ना इस तरह का पाथ होगा, उसका उसका जो होगा वो बैकवर्ड स्लैश होगा, उसको आपने क्या करना है फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, जितने भी होगा वो पाथ कॉपी के, मैं आपको करके दिखा देती हूँ हो सकते आपको समझ ना आ रहा। जब आप उसको कॉपी करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाथ में बैकवर्ड स्लैश है, इसको चेंज करना है फॉरवर्ड में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी टेक्निक है, वरना फिर आप कहोगे वीडियो सेव नहीं हुई है, कहाँ जाके सेव हुई है, कौन से हिडन स्पेस है जहाँ सेव हुई है, कि नहीं किया तो फिर सेव नहीं होगी, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है ड्यूरेशन। ये एक्चुअली क्या करता है कि जो मैंने टेक्स्ट एडिट का जो इनपुट था, यहाँ से जो भी इनपुट होगा 14, 15, व्हाटएवर जितने सेकेंड्स होंगे वो इनपुट जो होगा, ये जो वेरिएबल है, सॉरी कोड की तरफ आती, ये जो वेरिएबल है ड्यूरेशन, ये सेल्फ डॉट ड्यूरेशन डॉट टू प्लेन टेक्स्ट पे जो भी कुछ होगा वो एज अ इनपुट यहाँ पर आ जाएगा ड्यूरेशन में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेन टेक्स्ट पे कुछ भी होता है वो एज अ करेक्टर इनपुट रीड होता है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना लाजमी है, ठीक है, उसको क्योंकि हम बिकॉज मैं सेकेंड्स ले रही हूँ एंड वी ऑल नो दैट सेकेंड्स आर इन इंटीजर, तो फिर मैंने उसको क्या किया कि उस ड्यूरेशन कैपिटल डी को एक स्मॉल डी एक नया वेरिएबल लिया, ये वाला ड्यूरेशन, और इसको एज ए इंटीजर रीड कर लिया और इस वाले ड्यूरेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद एक और मैंने वेरिएबल लिया जिसको ऐसी जीरो वैल्यू असाइन की है रैंडमली, जिसका आगे बहुत यूज़ है, आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ यूज़ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के इसकी जो बेसिक टेक्निक है, ये जो ड्यूरेशन नोट हो रही है उसकी टेक्निक जो है वो एक्चुअली, एक तो ये जो ऊपर ये वाला जो डेट टाइम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक ये एक और वेरिएबल डेट वन मैंने लिया है जो कि ये भी डेट टाइम एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, एंड यू कैन सी ये वाइल लूप के अंदर है तो ये कॉन्स्टेंटली डेट टाइम को अपडेट कर रहा होगा, सही, यानी कि ये वेरिएबल कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 17 सेकेंड्स हुए हैं, तो जैसे कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहेगा जब तक 18 सेकेंड्स नहीं होते, यानी कि एक सेकेंड जब तक बढ़ेगा नहीं उस वक्त तक ये अपडेट होगा, 19 सेकेंड होंगे, वट एवर सेकेंड बढ़ते जाएंगे अपडेट होता रहेगा बिकॉज इट इज़ इन योर वाइल लूप। अच्छा, अब ये कमांड है जो कि असल जान है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि डेट डॉट सेकेंड, यानी कि डेट वन डॉट सेकेंड, ये वेरिएबल के सेकेंड्स एक्सट्रैक्ट किए और जो वाइल लूप से ऊपर जो वेरिएबल था ये, ठीक है, इसके सेकेंड एक्सट्रैक्ट किए और उनका डिफरेंस लिया, यानी कि फॉर एग्जांपल वो 16 थे तो जब तक ये 17 नहीं होंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, वन होगा या फिर मोर देन वन होगा, बट आई एम जस्ट वॉन्टेड वन हो या फिर वन से ज़्यादा हो, जैसे वन से ज़्यादा भी हो तो वो भी काउंट हो जाए, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको डिफरेंस वन मिले या डिफरेंस माइनस वन मिले, तो दोनों ही मैंने और लॉजिक में, या तो वन हो या फिर डिफरेंस माइनस वन हो, यानी कि डेट और सेकेंड को पहले करके माइनस कर लिया डेट वन डॉट सेकेंड में, ठीक है। फिर हमने करना क्या, जो काउंट वेरिएबल था जैसे ही डिफरेंस वन हो, सही है, तो काउंट वेरिएबल में एक ऐड हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, काउंट वेरिएबल में वन ऐड हो गया, जैसे ही डिफरेंस वन अगेन होगा तो काउंट वेरिएबल में वन और ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअली मैं इसको इंक्रीज करती रहूँगी अनटिल जो मेरा ड्यूरेशन है जो मैंने इनपुट दिए, फॉर एग्जांपल 12 सेकेंड मुझे चाहिए, तो जब तक काउंट 12 सेकेंड या फिर से ज़्यादा नहीं होगा उस वक्त तक मुझे इसको चलाते रहना, यानी कि उस वक्त तक वीडियो स्टॉप नहीं करनी, तो ये एक्चुअली वो टेक्निक है। अब डेट जो है इसको भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, सही है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको अपडेट ना करो,
और फिर जो उनका डिफरेंस है उसको फिर मैं ड्यूरेशन से कंपेयर कर लूँ, एक टेक्निक ये है। सेकेंड टेक्निक ये कि मैं इसको भी अपडेट करती रहूँ और जस्ट काउंट को बढ़ाऊँ सो दैट काउंट की वैल्यू भी चेंज हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में आ गई होगी, पता नहीं, अल्लाह फिर समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे। मैं इसको जस्ट स्पेंड करवा रही थी ट्रबल शूटिंग के लिए, सही काम कर भी जाए या नहीं, नहीं भी करवाएंगे तो इट्स ओके। पहले आपने क्या करने है, अपने फ्रेम्स और रिटर्न्स आपने जब का वेबकैम रीड कर रहे हैं उसको उसमें चेक करना है। अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो क्या करना है, आपने नीचे आना है और जो आपका लेबल डिस्प्ले है, ये फंक्शन आपको पता है, लास्ट टाइम भी समझाया था, ये फंक्शन जस्ट कुछ नहीं करता लेबल में, मेरे जो मेरा जी यू आई में लेबल है ये वाला दिस वन, इस वाले में इस वीडियो को यानी स्क्रीन को डिस्प्ले करवाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये आउटडोर ड्राइव, ये वो आउट वो है जो कि जिसमें मेरा पाथ सेव है, यानी जहाँ पे मेरी वीडियो सेव होगी आउट में उस पाथ में उस फ्रेम को मैंने सेव करवाना है। और ये वाइल्ड लूप के अंदर है, कॉन्स्टेंटली सेव होता रहेगा, कब तक, जब तक इस इफ लूप में आके ब्रेक नहीं होता। इसमें कब ब्रेक होगा, जब काउंट, यानी कि काउंट फॉर एग्जांपल 13, मैंने 14 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो 13 इज़ लेस देन 14 ना, तब भी ये नहीं ब्रेक होगा। जब 14 होगा, ठीक है, 14 इज़ इक्वल टू 14 तब भी नहीं होगा, जैसे ही एक सेकंड और बढ़ेगा, यानी कि जैसे 15 होगा काउंट फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज मुझे वो 14 सेकंड ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मेरी वो ड्यूरेशन उस पे आके मेरी ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप, दोबारा करना है, दोबारा से मुझे स्टार्ट को क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे एल्स है, जस्ट कि अगर रिटर्न फाउंड ना हो रहा फिर आपने ये रिलीज़ तो करवाने ही होते हैं, ठीक है। और ये वही डिस्प्ले वाला फंक्शन जिसके थ्रू लेबल पर आपकी वीडियो डिस्प्ले हो रही है, और नीचे वो सेम मेन कमांड, ठीक है ओके। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं, ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं। हैपन लाइन नंबर 50, एक्चुअली मैंने भी थोड़ी बहुत ही चेंजेस किए थे तो ज़रा मसला हो गया था, लाइन नंबर 50 में आ रहा है, बस यहाँ पे शिफ्ट किया। तो मैं कर देती हूँ 3 सेकेंड करके, देखें लेट्स सी। कैसे 3 सेकेंड्स हुए, 4 सेकेंड हुए तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। एंड लेट मी चेक कि 3 सेकेंड की वीडियो बनी भी है या नहीं। यस, 3 सेकेंड्स की वीडियो बन गई है, यू कैन सी दिस, देख सकते हैं 3 सेकेंड्स की वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये टेक्निक है, और ये वीडियो जो सेव हुई है ये 2019 9th मंथ है, 12th डेट है, टाइम जो है वो 04 इज़ एक्चुअली सॉरी इट इज़ ज़ीरो सॉरी ज़ीरो मीन्स अभी वन अभी पूरा 12:46 हो गया, तो इट मीन्स 1 नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। 45 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, एंड देन 2 सेकेंड्स 2 मिनट्स हुए हैं, और लाइक 23 सेकेंड्स हुए हैं, सॉरी ज़ीरो इज़ फॉर आर, आर्स कुछ भी नहीं है, मिनट्स 45 हुए हैं और 23 सेकेंड्स में। तो ये वीडियो सेव करने की टेक्निक है, आपको सीक्वेंस वाइज भी सेव कर सकते हैं, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू। सो होपफुली समझ में आ गई हो आपको वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।